कर झूठे लारे लार लप्पा लाई रखदा अडी टप्पा लाई रखदा लार लप्पा लाई रखदा। बहुत प्यार करती थी, इतना मैं आपको बता नहीं सकती। इवन मैं जब दुखी होती हूँ तो वो याद आती है। और उम्र में भी गई है तो एक बच्चा, ये सीढ़ियों में बैठी हुई थी, एक बच्चा ऐसे स्लिप होके आके इनकी गोद में पड़ गया। सुनील दत्त इनका ख्याल नहीं रखते, गवर्नमेंट को खाते लगा। सारे आर्टिस्ट राजेश खन्ना वगैरह सब आके पाँव में हाथ लगाते थे। बड़ी असद बुखारी बड़ी ज्यादती भी की है उनके साथ। गाड़ियाँ इस्तेमाल की, लिंकन गाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती थी। अक्सर से बहुत प्यार करती थी। मैंने अपनी ज़मीन में मरना है, उसकी खुशबू मुझे अच्छी लगती मट्टी। आप तो लारा लप्पा लगाते हैं। लारा लप्पा? जी, अड्डी टप्पा। ये लारा लप्पा और अड्डी टप्पा क्या जबान है? पंजाबी। लारा लप्पे का मतलब है टाल मटोल और अड्डी टप्पे खामखा झगड़ा करना। तो जो भी समझ लो। 40 की दहाई में एक हसीना पर्दा स्क्रीन पर जलवागर हुई जिसने पूरे बड़े सगीर पर अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए थे, और ये अजीम अदाकारा मीना शोरी थी। मीना शोरी का हुस्न, उसकी नजाकत, सादगी, इक्कीकदार ने लोगों को अपना गर्विदा बना लिया था। जो लिबास वो पहनती फैशन बन जाता, जो बात करती लोग सरे तस्लीम खम कर लेते। मीना शोरी को बड़े सगीर की सबसे पहली कॉमेडी एक्ट्रेस माना जाता है, जो लारा लप्पा गर्ल के नाम से अमर हो गई। उसकी इज्जत का ये आलम था कि राजेश खन्ना जैसे अदाकार उनके पैरों को हाथ लगाते थे। वो जितनी बाहर से मासूम थी, उसका दिल भी उतना ही मासूम और सादा था, इसलिए लोग वफा के नाम पर हमेशा उसे धोखा देते रहे। मीना शोरी पर रंगीन और मुतनाज़े अदाकारा का इल्जाम लगाया जाता रहा, मगर हकीकत कुछ और थी। लोगों ने उसका माल भी खाया और दिल भी तोड़ा, मगर इस दरवेश सिफ्त हसीना ने ना ही कभी किसी पर तोहमत लगाई, ना ही जवाब दिया। मीना शोरी की जाहिरी जिंदगी लज्जतों का अक्स थी, मगर पसे पर्दा वो एक तन्हा लेडी थी जिसने सारी उम्र जद्दोजहद की, और उसका आगाज बचपन से हो गया था। जमींदार घराने में पैदा होने वाली मीना शोरी की किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि बहुत बड़ी फैमिली माली मसाइल में घिर गई, और मीना भी अपने वालिदैन का सहारा बनने रंगारंग दुनिया में चली आई। मीना शोरी के हुस्न का अंदाजा इस वाकया से लगाया जा सकता है जब सोहराब मोदी ने पहली नजर में ही मीना को अपनी हीरोइन मान लिया था। है जवानी मेहरबान मुस्कुरा पीले फिर कहाँ दिल रुका पीले है जवानी मेहरबान। मैं उनकी अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, और मैं मेरी वो सकी खाला थी, वो रायविंड में पैदा हुई थी और मुल्तान से उनका बचपन रहा है। उनका नाम बरकत अली था और वो ज़िम्मेदार थे, और वो जब जैसे चेंज उन्होंने किया वहाँ से मुल्तान से वापस आए जब, तो फिर वो लाहौर में आ गए थे। लाहौर के बाद फिर वो इंडिया चले गए। इंडिया में जब गए उनकी बेटी की शादी हो गई, आंटी जी से बड़ी एक उनकी बेटी और थी। जब उनकी शादी हुई तो फिर वो काफ़ी मतलब कि नाना काम नहीं सही कर रहे थे, बीमार रहना शुरू हो गए। तो फिर बड़ी अम्मी को अपने भनोई के साथ कहीं गई थी, उसको छोटी बहुत छोटी थी, तो वो उनके पास ना स्टेज वगैरह लगते थे, वो वहाँ पे काम करते थे, पता नहीं ड्राइवर थे क्या थे। उसके बाद उन्होंने कहते मैंने वो देखनी है। वो जो एक औरत थी उसका नाम पता नहीं नादरा था कि क्या था, मुझे याद नहीं है। तो कहते मैंने उनको देखना है। तो ये ना तंबू उठा के ना, वो जो तंबू को क्या कहते हैं उर्दू में मुझे नहीं पता, तो उसको उठा के तो अंदर घुस गई जैसे बच्चे घुस जाते हैं। तो जब उन्होंने देखा शी वो सो प्रिटी, तो कहते ये कौन है, ये कौन है, ऐसे कहना शुरू कर दिया, शोर डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि ये उनकी जो इनके भनोई थे उनकी ये है साली हैं। तो उनको सोहराब मोदी वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने देख लिया। उन्होंने कहा कि हमें किसी को ढूंढ रहे यंग लड़की को, शी सो प्रिटी, तो उनको पूछें कि ये काम करेंगी। तो इस तरह इनका स्टार्ट शुरू हुआ। सोहराब मोदी ने पहली नजर में ही मीना शोरी के अंदर एक हीरा देख लिया था, लेकिन मीना के लिए इस दुनिया में काम करना आसान न था, क्योंकि वो एक जिम्मेदार फैमिली से ताल्लुक रखती थीं, इसलिए उन्हें रिवायती तौर पर घर से सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। और ये मुखालफत इस कदर सख्त थी कि गुड़िया जैसी मीना को चारपाई के साथ बांध कर मारा जाता रहा। उनको कहते हैं कि चारपाई के साथ बांध के मारा था। काफ़ी हालात ख़राब थे, तो बाहर कहते थे कि नहीं आना तुमने, मैं इतने मतलब ज़िम्मेदारों का बेटा हो, तू मेरी बेटी हो, कैसे। तो बच्चों को तो पता नहीं होता ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो शी हैव नो चॉइस। हालात कुछ अच्छे नहीं थे तो इन्होंने सपोर्ट करने के लिए फिर ऐसे काम शुरू किया था स्टेज से। उसके बाद फिर उन्होंने इनको सोहराब मोदी ने नई मूवी वो बन रही थी, क्या नाम था उसका, सिकंदर का सौदागर, उसमें इन्होंने भी रोल किया था। कुछ नहीं प्राजी, ऐसे सट लग गई है, मैं हुने आई। शांति अब क्यों लुकानी है, मैंने 10 सट की में लगी तो तेरी बाकी दी चूड़ियां कितने गई हैं? कुछ नहीं, एक तेरियां चूड़ियां नहीं, कमीने मीना शोरी सबकी मुखालफत मोल लेकर जहान को अपने कदमों में झुकाने बिलाखिर पर्दा स्क्रीन पर जलवागर हो गई और इसे जहांगीर होने में ज्यादा देर नहीं लगी क्योंकि वो चीज ही ऐसी थी, वो बनी बनाई हीरोइन थी जिसे फिल्मी दुनिया ने दोनों हाथों से कबूल किया। मीना शोरी को बहुत जल्द लाजवाल गीत लारा लप्पा नसीब हुआ जिसने फिल्मी दुनिया में उसे अमर कर दिया। वो बड़े सगीर की सबसे बड़ी कॉमेडी एक्ट्रेस कहलाई जाने लगी। एक गुड़िया जिस तरह नाचती खेलती गुस्सा और प्यार के जज्बात दिखाती स्क्रीन पर नजर आई, वो अपनी मिसाल आप है। उनकी काफी फिल्में हैं और जैसे उनकी जो थी एक थी लड़की, उससे ज्यादा वो बड़ी पॉपुलर हुई हैं और इंडिया में तो बड़े सगीर की उस वक्त ये टॉप की थी मूवी स्टार। एक थी लड़की के बाद तो फिर उन्होंने काफ़ी पॉपुलर हो गई और उनका ये एक मोनोग्राम बन गया कि ये कॉमेडी फिल्मों में टॉप की हीरोइन है, तो उससे उनकी काफ़ी लोग कॉपी भी किया करते थे। लारा लप्पा बड़ी सुपरहिट सॉन्ग और उन्होंने बड़ा, जैसे आप अगर मूवी में भी देखेंगे तो यू कैन से दैट कि एक बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में और कितना टॉप का गाना और कितनी कॉमेडी भी उसमें एक्टिंग की है उन्होंने, तो फिर उसके साथ टेबल के ऊपर हाथ मार मार के ऐसे ऐसे म्यूज़िक भी साथ में बजाया, इट्स सो ब्रिलियंट ब्यूटीफुल। तो ये चीज़ें जो हैं वो जैसे कहते हैं ना कि परदेशी स्टार थी, अल्लाह की देन थी उनके ऊपर, तो गॉड गिफ्ट था ये सारा कुछ। तो शी वॉज अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल। बाबूजी की बात निराली, दिल भी खाली जेब भी खाली, फिर भी अकड़ दिखाए तो बाबूजी समझ ना आए रे, लार लपा लाई रखता। मीना शोरी जहां अपने काम में मुनफरिद थी, वहीं उनका लिबास भी सबके लिए फैशन बन जाता था। वो ज्यादा महंगे और डिजाइनिंग वाले कपड़े नहीं पहनती थी बल्कि बहुत ही सादगी से सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पहनती। उनका मेकअप भी बहुत ही मामूली हुआ करता था। मीना शोरी के इस अंदाज को भारत समेत पाकिस्तानी अदाकाराओं ने भी कॉपी किया। गोया वो उस वक्त फैशन और अदाकारी का सिंबल थी जिसकी कॉपी कामयाबी की जमानत बन गई थी। उनके जो ड्रेसिंग होते थे, ड्रेसिंग वो खुद चूज करती थी और लोग उनकी कॉपी किया करते थे कि कहते थे कि तुम ब्लैक एंड वाइट क्यों ज़्यादा पहनते, कहती कि ब्लैक एंड वाइट में बड़ा एक तो आप स्लिम लगते हैं और बड़ा नुमाया होता है, आपकी शख्सियत बड़ी नुमाया होती है। तो इसी हिसाब से यहाँ के जो मूवी स्टार थी लेडी उनकी कॉपी किया करती थी और इतनी हसीन थी कि मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उसके बगैर, जस्ट हाथों से लिपस्टिक लगा ली है, हाथों से यहाँ पे काजल लगाया ऐसे करके, दैट्स इट, शी इज़ रेडी। और 2 चुटिया की हैं, ये उनका मोनोग्राम था। तो क्या कह सकते हैं आप, नेचुरल एक्ट्रेस। अमूमन फिल्मी अदाकारों के बारे में उनके चले जाने के बाद रस्मन अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और उनकी सखावत और आजिजी के राग अलापे जाते हैं, लेकिन मीना शोरी हकीकत में बहुत ही सखी, मासूम दिल और मिलनसार थीं। उन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता था और उन्हें कभी चीखते चिल्लाते लड़ाई करते नहीं देखा गया। उनकी जाती शख्सियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मीना शोरी की अपनी औलाद नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो औलाद गोद ली उसे कभी पराया नहीं समझा और अपने बच्चों की तरह उन्हें पाला। रज रज छेड़ लो, फुट फुट जानियो, नी मेरी वारी हो से दिया चदरा न दानियो, तन मिल आंखों वटी रानी रूस गई हर मैं की तरह। गुस्से वाली बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ अगर गुस्सा आता तो आंख से देखती थी ऐसे वैसे गुस्से से, दैट्स इट। और वेरी लवली पर्सन, बड़ी कहते हैं बबली पर्सनालिटी very beautiful and very kind. काइंड तो बहुत थी, कैसे कैसे कह सकते हैं कि फरिश्ता ही आप कह सकते हैं उनको, मैं ये अल्फाज दूँगी। और हमें इतना प्यार दिया उन्होंने कि अपनी माँ और बाप ने भी इतना नहीं दिया, मैं सच कह रही हूँ आपको। मगर वो कहती थी कि आप लोगों ने भी मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे ये फ़ील नहीं होता कि मेरी औलाद नहीं हुई। और ये उनकी फीलिंग्स थी कि वो जैसे एक तो होती ना हाउस वाइफ जैसी फीलिंग थी उनके पास, जैसे बच्चों को ज़्यादा प्यार करना है, लोगों की कोई परेशानी कोई आ गया है तो उसकी बड़ी केयर करनी है, और कोई खाली हाथ नहीं जाता था घर से भी, कोई गैर आदमी या गैर औरत आ गई है तो बच्चों के साथ। बच्चे बड़े 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 पपड़ते, बड़ी अम्मी स्वीट ला के रखी हुई होती थी, खुद ही आते थे, खुद ही उठा के चले जाते थे। और वो उनका पहला घर था जिसके घर में टीवी होता था उस टाइम में, तो सारे बच्चे टीवी लगा के देखते थे सेहर में। She was a very kind person and... मीना शोरी ने 5 शादियां की। उनकी पहली शादी नासिर से हुई जो उन्हें अपनी पहली फिल्म के सेट पर ही मिले थे। मीना और नासिर ने पसंद से शादी की थी, लेकिन जब मीना शोरी को पता चला कि नासिर किसी और लड़की के साथ माशका करता है तो उन्होंने तलाक ले ली। मीना शोरी की जिंदगी रूप के शोरी को बयान किए बगैर मुकम्मल नहीं होती। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले रूप के शोरी मुंबई के बड़े फिल्मसाज बन चुके थे। बताया जाता है कि रूप के शोरी मीना से उम्र में बड़े थे, लेकिन मीना शोरी को उनका दिल पसंद आ गया था। यूं उन्होंने उम्र को पसे पर्दा डालकर उनसे शादी कर ली। और उनका ये फैसला इसलिए भी सही था कि उन्हें हर किसी ने धोखा दिया, बस रूप के शोरी से ही सच्चा प्यार मिल सका। शादी तो जरूर होगी। हाँ, होगी और जरूर होगी, मैं भी तो कहता हूँ, मगर हिंदुस्तानी तरीके से होगी। मैं दूल्हा बनूंगा, तुम दुल्हन बनना, और फिर जनाब मेरी बारात तुम्हारे घर आएगी जैसे पिछली 2 बार आई थी। वेरी हैंडसम गाय, उसके साथ लव मैरिज थी, उनके साथ हुई है तो फिर उन्होंने नासिर वगैरह ने चीटिंग करनी शुरू कर दी बड़ी अम्मी के साथ, कि जैसे और औरतों के पीछे जाना। तो शी वॉज हर्ट पर्सन। उसके बाद फिर इनकी पापा के साथ शादी हुई थी, पहले नहीं हुई थी। और पापा जो थे रूप के शोरी थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर भी थे, खुद ही फिल्में बनाते थे और खुद ही डायरेक्ट भी करते थे। पापा जी जो थे बड़ी अम्मी से काफ़ी एज में बड़े थे, बहुत बड़े थे। तो ही वॉज लाइक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। तो इन्होंने खुद प्रपोज किया था बड़ी अम्मी को कि तुम सैड रहती हो, ऐसे रहती हो, तो मैं मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी तुम्हारे साथ शादी हो। वो कहती थी कि तुम डिफरेंट रिलीजियस के हो, मैं डिफरेंट रिलीजियस में, मगर इनका आपस में ऐसा था ना, वो कभी रिलीजियस पे बात करते थे ना ये, उन्होंने अपना कभी, वो वेरी मॉडर्न पर्सन, वो बाहर से इंग्लैंड से पढ़कर आए हुए थे, तो इसलिए उनको इन चीज़ों से नहीं था कि ये मुस्लिम है या मैं हिंदू, ई डोंट केयर अबाउट दैट। तो घर का माहौल भी ऐसा था उन्होंने रखा हुआ, और इसलिए तो फिर उन्होंने प्रपोज़ किया था आंटी को। तो फिर इस तरह इन्होंने कहा कि चलो ये मुझसे एज में बड़ा है तो मुझे भी सहारा चाहिए, इस तरह शादी। मीना शोरी पर उनकी शादियों की वजह से तनकीद की जाती है। उन्हें रंगीन और मुतनाज़िया अदाकारा के अलकाबात से नवाजा जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि असल हकीकत क्या थी। दरअसल मीना शोरी को उनकी वालिदा ने नसीहत की थी कि जिंदगी में मुआशकों की बजाय निकाह को तरजीह देना। यही वजह है कि मीना शोरी ने शरई निकाह को तरजीह दी, लेकिन ये अलग बात है कि उनकी किस्मत बुरी थी। हर मिलने वाले ने उन्हें इस्तेमाल किया, धोखा दिया और छोड़ दिया, मगर मीना हर नए शौहर उम्र भर साथ की तवक्का करती रही। हमने ये क्वेश्चन मैंने भी किया था, आंटी आप शादी करके अपना नाम क्यों खराब किया? तो वो कहती हैं कि मुझे मेरी वालिदा साहिबा ने कहा था कि किसी को फ्रेंड नहीं बनाना, निकाह में कर रहना है, निकाह में छोड़ना है। निकाह में शादी कर ली आपने तो ये जायज़ हो गया, आपने किसी के साथ बॉयफ्रेंड और फ्रेंडशिप नहीं करनी। तो इस बेस पे शी वॉज इनोसेंट, शादी कर लेती थी और इतनी खूबसूरत थी, लोग उनको माइल्ड हो जाते थे उनके और उनको फंसाते थे, और दिल की बहुत अच्छी थी, उनका सब कुछ खाते थे वो लोग। तो अगर मैं अब मेंशन करूँगी तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। बट जो थे, फिर इन्होंने रज़ा मीर से भी शादी की, वो डायरेक्टर थे, जब इंडिया से आती हैं तो इधर शादी हो गई, पापा जी की लैदगी हो गई, डिवोर्स हो गई। मीना शोरी को जहां सबने लुटा, वहीं असद बुखारी का नाम सरे फहरिस्त है। बताया जाता है कि असद बुखारी ने मीना शोरी से दौलत के लिए शादी की थी। मीना उन्हें जीवन भर साथी बनाने के लिए ख्वाब देख बैठी थी। यहाँ तक कि असद बुखारी के बेटों को प्यार दिया, उन्हें अपनी औलाद समझा, लेकिन बदले में असद बुखारी ने मीना शोरी का माल लुटा। मीना शोरी के पास उस वक्त इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी जो फिल्मी दुनिया में किसी और के पास न थी, लेकिन असद बुखारी ने गाड़ियों समेत उनकी प्रॉपर्टी भी हथिया ली। और यही वजह है कि अमीर कबीर मीना शोरी ने माली तौर पर जवाल भी देखा। उन्हां दी अखां उत्ते ते लालच दी पट्टी बधी होई है। वो पैसे दे गुलाम ने, वो कहंदे ने मैं उन्हां दे इशारे उत्ते क्यों नहीं नचदी, मैं खुशी नाल बर्बाद क्यों नहीं हो जांदी। असद बुखारी साहब वो मडलाते रहे, फिर उनके साथ शादी हो गई। तो असद साहब ने बड़ी ज्यादती भी की है उनके साथ, सॉरी टू से दैट, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, मगर उन्होंने काफ़ी उनके साथ ज्यादतियाँ की हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लिंकन गाड़ियाँ उस वक्त बड़ी अम्मी की होती थी जो लेके चले जाते थे, और इतना उनका पैसा खाया अपने बच्चों को। उनके बच्चों को इन्होंने गोद में रखा, जैसे अडॉप्ट कर लिया, पाला, बड़ा बेटा तो सारा राय इनके पास है, गुड्डू उसका नाम था, तो बड़ी लुक आफ्टर की है उन्होंने। तो उसके बाद इन्होंने जो असद थे उनकी फिर किसी के साथ फेयर हो गया। एक तो पहली वाइफ थी, फिर किसी के साथ फेयर हो गई, यंग लड़की के साथ, तो फिर वो गायब होना शुरू हो गया। तो फिर आंटी को हर्ट हुआ, और उसके बाद वो काफ़ी परेशान हो गई। तो फिर कहते मैंने तो तुम्हारे साथ मताह किया हुआ था, तो मैंने खुद ही, उन्होंने तलाक दे दी, आंटी ने नहीं ली थी, उन्होंने ली थी, और सारी उनकी प्रॉपर्टी भी लिखवा के ले गया था वो। तो काफ़ी मतलब उन्होंने उनकी हालत खस्ता हालत की थी। रंगीन मजाज थे, मतलब मैं कुछ नहीं इस बारे में इतना कहूँगी। तो इस तरह इनकी लड़ाइयाँ झगड़े शुरू होते थे। तो गाड़ियाँ इस्तेमाल की, लिंकन गाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती थी, वो बड़ी बड़ी आजकल जो शोगन चल रही हैं ऐसी, पहले होती थी जीप टाइप की गाड़ी, मुझे उसका नाम नहीं आता, वो वाली थी। हमने तो सब कुछ देखा हुआ है ना, तो वो सारी ले जाते थे। और ये प्यार भी बड़ा करती थी उनको, कहती थी कोई बात नहीं। तो इस तरह उन्होंने हर्ट किया इनको बहुत ज़्यादा। प्रॉपर्टी के बारे में भी ये उन्होंने काफ़ी, इनका काफ़ी कुछ प्लाट वगैरह थे, वो जो भी गबन किए, तो वो पीछे नहीं जाती थी। मीना शोरी और रूप के शोरी से मुतालिक कुछ और हकायक भी मंजर आम पर लाना जरूरी है। रूप के शोरी फिल्म बनाने के लिए 1956 को पाकिस्तान आए। चूंकि मीना पाकिस्तान से थीं और पाकिस्तान ही में बसना चाहती थीं, लिहाजा दोनों ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान में रहेंगे। लेकिन मुबैना तौर पर उन्हें सैयद शौकत हुसैन रिजवी की जानिब से धमकियां दी गयी। उनके लाहौर में सिनेमाज और स्टूडियोज भी हथिया लिए गए, और यही वजह थी कि रूप के शोरी को मजबूरन भारत लौटना पड़ा। लेकिन मीना शोरी पाकिस्तान की मोहब्बत में दोबारा भारत न जा सकी, और यूं वो शख्स जिससे मीना को बहुत प्यार था, जिससे मीना को वफा मिली थी, वो खैर खा बेदर्द जमाने की नजर हो गया। उनकी इज्जत इसलिए है कि उन्होंने हमारी फैमिली को भी बड़ा प्यार दिया है, बड़ा प्यार दिया, कीप इन टच भी रहे हैं। और जब फैमिली में आते तो बिल्कुल फैमिली की तरह होते थे, और उन्होंने आंटी की लाइफ बनाई है, और उन्होंने फैमिली को भी लुक आफ्टर की। मेरी मम्मी को बड़ी लुक आफ्टर किया कि ये मेरी बेटी की तरह है। मम्मी छोटी होती थी तो बच्चों को, हमारे बच्चों को हम पापा पापा कहते थे, तो बड़ा हमारा ख्याल भी रखते थे। अलहदगी इसलिए हुई थी कि आंटी कहती थी मैंने पाकिस्तान जाना, जब पार्टीशन शुरू होना शुरू हो गया, वो कहती थी कि आप भी इधर ही रहे पाकिस्तान में, लोग उस वक्त लोग रह सकते थे। तो इन्होंने फिर उनको धमकियाँ देनी शुरू कर दी, ये जो थे शौकत रिजवी वगैरह, तो ये वो लोगों ने शानूर स्टूडियो को बंद कर लिया, ये वो कर लिया। अब ये हम लीक आउट करेंगे ऐसी बातें तो वो तो मानेंगे नहीं, क्योंकि प्रूफ कोई नहीं है। तो इस वजह से फिर उन्होंने काफ़ी लाइक वो कहते फिर मैं जाऊँगा, ये तो ऐसे करेंगे। उनकी फैमिली उनको कहती थी कि वापस आ जाओ, हमारा बेटा मार देंगे, तो ये भी चले गए। तो आंटी कहती थी मैंने नहीं जाना, मैंने अपनी ज़मीन में मरना है, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। पाकिस्तान से बहुत प्यार करती थी, उसकी खुशबू मुझे अच्छी लगती, मिट्टी। तो बस ये बातें हैं, और शी जस्ट गिव अप एवरीथिंग। मीना शोरी बड़े सगीर की लारा लप्पा गर्ल मशहूर थीं और मरते दम तक ये एजाज उनके साथ रहा, बल्कि पाकिस्तान से ज्यादा भारत में उन्हें माना गया। यही वजह है कि जब बहुत सालों बाद मीना शोरी भारत के विजिट पर गईं तो सारे अखबारों में उनसे मुतल्लिक शाह सुर्खियां लगाई गईं। बॉलीवुड के अदाकारों ने उनके लिए दावतों के इंतजाम किए। उनकी इज्जत का ये आलम था कि राजेश खन्ना उनके पाँव छूकर मिले और यही वजह है कि जब मीना शोरी बीमार हुई और हुकूमत पाकिस्तान ने उनका इलाज न करवाया तो भारत के मकबूल तरीन स्टार संजय दत्त के वालिद सुनील दत्त ने हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा और फिर उन्हें इलाज के लिए लंदन ले जाया गया। उस वक्त मैं साथ थी, आई वॉज वेरी यंग। तो वहाँ जैसे ही अराइव हुई हैं हम अपने मामू के घर ठहरे हैं जाके। हमारे मामू रहते थे बॉम्बे में, तो लोगों ने बड़े बड़े अखबारों में, टाइम है वहाँ का अखबार, उसमें भी आया। कभी आप पूछें तो वो देंगे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन। तो लारा लप्पा गर्ल आई हैं पाकिस्तान से, तो फिर उनकी तस्वीरें, ये तनूजा वगैरह, उस वक्त लारा लप्पा गर्ल की रिपीट की थी उन्होंने, एक थी रीटा, तो वो सारी फिर उस वक्त बन रही थी, एक थी रीटा। तो अखबारों में बहुत चलना शुरू हो गया कि ये कुछ हो रहा है कि वो उनकी कॉपी ये कर रही हैं, अब उस तरह की एक्टिंग भी ये करनी, कॉमेडी एक्टर। तो वो कहते थे बड़ी अम्मी को शी इज़ वॉज वेरी गुड एज ए कॉमेडी एक्ट्रेस। तो इन्होंने स्टार्ट किया कॉमेडी कैसे करते हैं, तो बड़ा काफ़ी बहुत रिस्पेक्ट दिया। सारे आर्टिस्ट राजेश खन्ना वगैरह सब आके पाँव में हाथ लगाते थे बड़ी अम्मी के, तो बड़ी रिस्पेक्ट उन्होंने दी है। उनके वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो बड़े अच्छे थे, उन्होंने बड़ा उनको, फिर एक जगह थी वहाँ पे खाना किया, बुलाया सबको, बड़े बड़े जो थे मूवी स्टार एंड डायरेक्टर, एक्टर भी आए, काफ़ी आए। तो अच्छी अच्छी उनको रिसेप्शन दी और बड़े प्यार भी दिया। तो फिर हम लोग बड़े परेशान रहना शुरू हो गए। तो फिर इंडिया का जो था मूवी स्टार सुनील दत्त, उधर भी अखबारों में आ गया कि ये काफ़ी बीमार रहती हैं। उन्होंने फिर गवर्नमेंट को ख़त लिखा सुनील दत्त ने, उन्होंने कहा कि ये इतनी बड़े सगीर की टॉप की मूवी स्टार रही हैं, तो आप लोग कैसे हैं कि इनका ख्याल नहीं रखते। गवर्नमेंट को ख़त लिखा, उस वक्त था नवाज शरीफ गवर्नमेंट के। उन्होंने फिर कोई आदमी भेजा, उन्होंने आके देखा, इनको सब घर में भेजा, उन्होंने फिर सारा अरेंज किया। फिर हम लोग बरतानिया लेके गए इनको, वहाँ इनका ट्रीटमेंट चला क्रॉमवेल हॉस्पिटल में, और मैं ये और मेरा बड़ा भाई साथ गए थे हम लोग लुक आफ्टर करने के लिए। तो इस तरह फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये 3 माह जिंदा रहेंगी या 2 माह, इसके ज़्यादा नहीं रहेंगी, क्योंकि डॉक्टरों ने इनका सही ट्रीटमेंट नहीं किया। तो आप उनको शू भी कर सकते, कौन शू करते हैं। मीना शोरी 5 शादियां करने के बाद तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। उनकी दौलत भी काफी हद तक लुट चुकी थी, मगर फिर भी वो किसी की मोहताज न थी। वैसे भी उनकी शख्सियत में सादगी थी, उन्हें ना ही महंगे कपड़ों का शौक था और ना ही बेजा दस्तरखान भरने का कोई रुझान। फिल्मी दुनिया को उन्होंने बहुत हद तक खैराबाद कह दिया था। यूं मीना शोरी एक सादा और आमियाना जिंदगी गुजार रही थी। वो अपने बच्चों के साथ खुश थी, लेकिन बदकिस्मती से इसी दौरान उन्हें जिगर का कैंसर हो गया। बुनियादी तौर पर मीना शोरी की फैमिली ने उन्हें नहीं बताया। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी, खाना पीना बहुत कम हो गया था और बेहोश भी हो जाती थी। इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या होगी कि मीना शोरी को डॉक्टर्स ने चंद माह की मोहलत दे दी थी और जब मीना को बताया गया तो उन्होंने वतन से एक बार फिर मोहब्बत का इजहार कुछ इस तरह किया कि वो लंदन छोड़कर फौरन पाकिस्तान आ गयी ताकि पाकिस्तान की मिट्टी में दफन हो सके। लेकिन एक इतनी बड़ी अदाकारा जिसने जहांगीर शोहरत देखी हो, जिसने दुनिया फतह की हो, वो इसी दुनिया में चंद महीनों की मेहमान बन जाए, इन जज्बात को बयान नहीं किया जा सकता। मेरे साथ तो वो बड़ी प्यार करती थी, मेरे बगैर रहती नहीं थी, बच्चों से बड़ा प्यार करती थी, इनके साथ इसके साथ बड़ा प्यार था। और बस वो आप कह दें कि उनको होश नहीं ज़्यादा रहता था, बेहोश हो जाती थी और खाना पीना भी ज़्यादा नहीं था। फिर मैं एक दफ़ा उनको व्हील चेयर पर डाल के वहाँ पूरे अल्प्स कोट की सैर करवा के लाई, बड़ी खुश हुई। और सिंपल तबीयत की, मैंने कहा कि मैं आपको मेकअप कर दूँ, नो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, कोई मेकअप नहीं करने दिया मुझे, कुछ नहीं। तो बड़ी सिंपल ज़िंदगी में थी और सिंपल ही रहना पसंद करती थी और प्यार मोहब्बत बड़ा करती थी हम लोगों के साथ। और उन्होंने मुझे मुझे ये अल्फाज कहे हैं कि तू, मैं तुम्हें बच पाऊँगी कि तू मेरी माँ है, मुझे कहते हैं। तुमने मेरी इतनी खिदमत की है कि मैं जन्नत में मैं तुम्हें बख्शवाऊँगी, मुझे उन्होंने ये अल्फाज कहे हैं। तो मैं आई फील सो प्राउड फॉर दैट। और बस मैं कुछ नहीं भी कह सकती। यहाँ पे जब भी कोई हॉस्पिटल में विज़िट करने आता तो मैं रोक देती थी पहले उनको बताती नहीं थी कि इनको बताएं कि इनको क्या है। मैंने कहा बस आपको थोड़ी सी पेन है, अल्सर है, वो ठीक हो जाएगा, हम ये कहते थे इनको। तो उस तरह वो ठीक थी। मगर जब लंदन में डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, इनको बताना पड़ेगा, ये हमारी ड्यूटी है, तो फिर बताया। तो शी जस्ट शॉक कि मुझे कहते नहीं, मैंने अब यहाँ नहीं रहना, मुझे फ़ौरन पाकिस्तान ले जाओ, मैंने अपनी मिट्टी में मरना है। तो इस तरह फिर हमने कहते थे मैंने और रहना ही नहीं, मैंने ट्रीटमेंट भी नहीं कराना, मुझे वापस लेके जाओ फ़ौरन। फिर हमने फ़ौरन वापस तो इस तरह लेकर आ गए वापस। मीना शोरी से मुतालिक ये भी बताया जाता है कि वो कसम पूर्सी और भीख मांगते हुए इस दुनिया से रुखसत हुई, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं। मीना की कमजोरी ये थी कि उन्होंने बाकी अदाकाराओं की तरह ना कोई साइड बिजनेस किया, जो जमा पूंजी थी वो बेवफा शोहर लूट कर ले गए। आखिरी उम्र में जब फिल्में मिलना बंद हो गयी तो मीना शदीद माली मसाइल का शिकार हो गयी। बड़े सगीर की सबसे बड़ी स्टार आमियाना जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुई, यहाँ तक कि उसे किराए के मकान में रहना पड़ा। लेकिन मीना शोरी पर भीख मांगने की तोहमत लगाना लघव के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हाथ चुकी तो अगे भी हाथ चुके, ऐसे मैं कुछ नहीं सब बोली। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ मैं अपना आप बर्बाद कर रही हूं, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਔਰਤ ਵਿਗੜਨਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜੇ मैं सचमुच कितने मुंह काला कर लेती तो फिर तुम क्या करते? जो आखिरी हिस्सा चल रहा था ना, क्योंकि हम भी बच्चे छोटे थे, दो ही बस बहनें थी, भाई भी कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला, कोई मर्द नहीं था सपोर्ट करने वाला, और सबने खाया ही है, किसी ने देखा नहीं। और उनमें एक इनोसेंट चीज़ आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने लिए कुछ सेव नहीं किया। जो मूवी स्टार और जो हैं आजकल के, वो देखें अपना बैकग्राउंड बनाते हैं, अपने बिजनेस साइड बिजनेस बनाते हैं, ताकि फिल्म इंडस्ट्री में अगर फ्लॉप हो गए हैं तो वो कुछ ना कुछ उनका रोटी पानी चलता रहता है। मगर उस बेस पे वो उन्होंने इस तरह नहीं सोचा। शी वॉज, मैंने बताया ना कि बहुत भोली थी और इस तरह उनका, मगर ये नहीं आप कह सकते कि वो भीख मांगती हुई मरी हैं, ये दिस इज़ रॉन्ग। अच्छी ज़िंदगी में गई हैं मगर सादा और सिंपल लाइफ में गई हैं, ये आप कह सकते हैं। और जो फौत भी हुई हैं तो बड़ी सादा ज़िंदगी में, और कोई भीख नहीं, कुछ नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लेज़र के साथ उसको बर्न नहीं किया, उसका ट्री ऐसे जल उसी को सी दिया, उससे वो जो तो कैंसर था वो फैल गया अंदर, उससे उनकी डेथ हुई है। मीना शोरी जब जवाल पजीर हुई तो फिल्मी दुनिया के दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया और इस बेवफा दुनिया से तवक्का भी क्या रखी जा सकती थी। वैसे भी मीना शोरी ने जिंदगी में इतने धोखे खाए थे कि उन्हें इस बेरुखी की कोई परवाह न थी। अलबत्ता फिल्मी दुनिया में कुछ लोगों के साथ उनकी अच्छी दोस्तियां नहीं, जिनमें मोहम्मद अली, मुस्तफा कुरैशी और अंजुमन सरे फहरिस्त हैं। लेकिन आपको ये जानकर अफसोस होगा कि जब बड़े सगीर की अजीम अदाकारा का इंतकाल हुआ तो सिवाय अंजुमन के कोई भी फिल्मी सितारा ताजियत के लिए न गया। हीरा लाल ने मोती का 75,000 का चेक चुरा लिया था, मोती ने पैसे मांगे, उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, मोती ने उससे झगड़ा किया, मोती ने गुस्से में आकर उसको मार दिया, मोती ने उसकी लाश कहीं गायब कर दी है, मोती ने उसके खून से भरे कपड़े अलमारी के पीछे छुपा दिए मोती ने। वो मोहम्मद अली के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उनके आना जाना था उनके घर में, नदीम के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ, उनकी बेगम के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, आना जाना भी था, आती जाती थी उनके घर। और कौन था, ये संगीता वगैरह, ये इनके साथ भी था अच्छा। और जो पाकिस्तान के वो जो नहीं थे बड़े पॉपुलर थे डायरेक्टर, उसका क्या नाम था जो बाबरा शरीफ को लेकर आए थे, मुझे उनका नाम नहीं आता, इज़ वेरी पॉपुलर, यस यस, उनके साथ भी अच्छे फैमिली टर्म्स थे, वेरी गुड। आगा गुल भी फ्रेंड थे उनके। मुमताज़ जो थी वो भी पापा जी के घर में, वो ज़मीन पे सोई रहती होती थी। अंजुमन आई थी, बाबरा शरीफ भी आई थी, मुझे पता है मैं मिली हूँ बाबरा शरीफ को। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब आए थे जब ये बीमार थी, इंग्लैंड नहीं गई थी उस वक़्त, और फौतकियत के बाद सिर्फ अंजुमन आई थी और कोई नहीं आया था। मीना शोरी ने जिंदगी में बहुत उरूजो सवाल देखे। एक गरीब लड़की के बाद शोहरत और दौलत की आखिरी हदें भी देखी, जिंदगी की लज्जतें भी चखी और आखिर में एक जवाल भी देखा, लेकिन उन्हें सिवाय अपने बच्चों के कोई आखिरी ख्वाहिश न थी। उन्होंने जो कुछ जिंदगी में देखा उनका इस दुनिया से जी भर चुका था। अलबत्ता वो अपने गोद लिए बच्चों के लिए इस दुनिया से जाते हुए जरूर फिक्रमंद थी और आज उनके बच्चे भी उन्हें बहुत याद करते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मीना शोरी को जन्नत में जगह दें और उनके दर्जात बुलंद फरमाएं। चल नहीं मेरे नाल ना हो झगड़ ना करया कर। पागल हो गई तरम नाल। मैं ते तेनू मिलने वास्ते आई सी, तेरी सट दा सुन के मैं ते बिल्कुल घबरा गई सी। देख मेरा कलेजा कितना नरम है, हाले तक तड़क रहा है। इबादत गुजार थी और वो चैरिटी का भी काम काफ़ी मतलब के लाइक कुछ भी है पास में दे देना। उन्होंने फलानी की बेटी की शादी है, फलानी को दिया, फलाने को दिया, ऐसे बहुत करती थी। और पूरी लाइफ में चैरिटी का काम यही है उनका कि उन्होंने कितनी बेटियों की शादियां करवाई हैं, फैमिली की, गैरों की भी। मैं प्रूफ देख सकती हूँ उनका। और उन्होंने बड़ा इन लोगों का ख्याल रखा लोगों का। और लोग बहुत रोते थे जब बीमार हुए थे। हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकती थी, खुद ही बेचारी ऐसे हो गई। और बाकी ज़िंदगी में बड़ी अच्छी ज़िंदगी भी गुजारी है। और अगर कोई धोखा कर गया है या तंग कर गया है तो उसको दुआ नहीं देती थी, कहती थी नहीं ये अल्लाह मियाँ का बंदा है। इबादत गुजार थी वो, ये मैं आपको बता दूँ। और उम्रे पे भी गई थी और उम्रे पे भी गई हैं तो एक बच्चा, ये सीढ़ियों में बैठी हुई थी, एक बच्चा ऐसे स्लिप होकर आके इनकी गोद में पड़ गया। बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी तो देखिए कि वहाँ पे भी बच्चा आया है। तो उम्रा भी करके आई थी, उस ज़माने में उम्रा किया था उन्होंने। तो शी वॉज वेरी गुड पर्सन। वो बस ये कहती थी कि मुझे मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों को हाई लेवल पर ले जाती, कुछ मैं सॉरी करती हूँ कि मैं नहीं कर सकी। मेरे आप बच्चे हो तो मेरी दिल में ख्वाहिश भी नहीं कि मेरे अपने बच्चे नहीं हुए, आप मेरे बच्चे हो तो मैं आपके लिए नहीं कर सकी। मगर मैं मुतमईन हूँ, मेरी जैसी भी ज़िंदगी गुजरी है, मुझे अल्लाह ने बहुत अरूज दिया है, बहुत कुछ दिया है। तो अगर हालात ऐसे भी आ गए हैं तो हम ओके, हम हैप्पी। अंदर वो नहीं था, जैसे होता है ना कि एक होता है इंसान, एक शैतान भी होता है इंसान के अंदर जो नहीं ठीक है मैं, जैसे होते हैं लोग वैसे नहीं थी। सादा तबीयत थी, बहुत सादा, सो सिंपल पर्सनालिटी। मोहब्बत प्यार बहुत प्यार करती थी, इतना मैं आपको बता नहीं सकती। इवन मैं जब दुखी होती हूँ या कुछ भी होता है तो वो याद आती है, उनसे बातें करती हूँ। शी वॉज सो लवली पर्सन। मुझे पता नहीं कि मेरी अम्मी का क्या प्यार है, मुझे उन्होंने प्यार दिया। और शी वॉज सो नाइस पर्सन बेटी। और हमारी लुक आफ्टर भी उन्होंने किया है। हमारे बाप तो थे नहीं, फोत हो गए थे, तो बड़ी अम्मी ने सारा हमारी सारी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई हुई थी और उनकी बदौलत वहाँ पे भी। और अभी भी कोई परेशानी होती, कुछ होती, उनसे ही बातें करती। लंदन में उनकी बड़ी सारी तस्वीर लगाई हुई, सब कुछ है। उनका ख़त्म देते हैं बाकायदा, कुछ नहीं कह सकती। शी वॉज लवली।